welcome to my channel All Rounder Girl. मैं हूँ शेफ हुंजा और आज मैं हाजिर हूँ एक और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ. आज हम अपने किचन में बना रहे हैं क्रिस्पी वेजी पकोड़े मिक्स सब्जी के साथ और बहुत ही क्रिस्पी अमेजिंग एंड डिलीशियस. सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप बेसन अपने बोल में. सब्जियों के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ प्याज, मैंने स्लाइस कर लिए हैं बारीक 2 मीडियम साइज़ के, 2 कप बेसन के साथ 2 प्याज. यहाँ है हमारा पुदीना कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, बंद गोभी के पत्ते और मैंने यहाँ पर ले लिया है चॉप हुआ हुआ हरा धनिया. नेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर आलू. सब्जियों में मैं आलू जो ऐड करी उनको मैंने बारीक बारीक से फिंगर चिप्स काट के ठंडे पानी में भिगो कर रख दिए थे. इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं हमारे पकौड़े और आलू भी क्रिस्पी रहते हैं. ये एक टिप है. नेक्स्ट मसालों के लिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं उनमें हमने सबसे पहले लिया है 1 टीस्पून नमक, हल्दी 1/4 टीस्पून, चाट का मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने डाला है रेड चिली पाउडर, साबुत धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून और मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा. मसाले हमने यहाँ पर ले लिए हैं. अब हमें चाहिए 1 ग्लास पानी और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने तमाम मसाले. मसाले जितने भी पिसे और पाउडर की फॉर्म में हैं वो हम लोग ऐसे ही एज़ इट इज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर और हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे रह गए मींस के ज़ीरा और हमारा धनिया उसको हम ऐड करेंगे थोड़ा सा क्रश करके. अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप चाहें तो ज़ीरे का पाउडर और धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन साबुत धनिए से और ज़ीरे से इसका फ़्लेवर इंतहाई मज़ेदार आता है. हर चीज़ का अपना अपना टेक्सचर होता है तो इसको क्रश मैं कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ. हथेली पर मैं लेकर इसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ लेती हूँ तो ये उतना टूट जाते हैं जितना हमें चाहिए है और बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो कैसे भी इसको हल्का सा क्रश कर लें. मसाले हमारे यहाँ पर सारे जा चुके हैं और अब हम इसको कर देंगे मिक्स. मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके बना लेंगे अपना पेस्ट. पहले आप अपने सारे खुश्क अज्जा को अच्छे तरीके से व्रिफ कर लें ताकि कोई भी चीज़ साबुत ना रह जाए. अब हमने यहाँ पर ऐड कर देना है पानी, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं यहाँ पर अपने पूरे बेसन को बना घोल लूँगी अच्छे से. इनका मैं बैटर बना लूँगी. आप देख सकते हैं 1 ग्लास से कम ही पानी में मेरा बैटर तैयार हो गया था. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैटर थिक से नॉर्मल कंसिस्टेंसी की तरफ आ रहा है. हमने इसको बहुत ही नॉर्मल रखना है, कुछ इस टाइप का हमारा बेसन हो जाना चाहिए. आप देख सकते हैं ये 1/4 कप के करीब पानी बच गया है. अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी सब्ज़ियाँ. आलूओं को भी हम अपने पानी में से रिमूव करके निकाल के डाल देंगे. मेक श्योर कीजिएगा आलू जिस पानी में भिगोएं वो ठंडा ही हो. नॉर्मल टैप वाटर हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इसको चिल ठंडे पानी में ऐड करते हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे आपके आलू. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना थोड़ा देसी टोटका. अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से. हम इसको अपने हाथों से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक मिक्स करेंगे. जितने अच्छे से आप इसको अपने हैंड्स की मदद से हिलाएंगे और चलाएंगे उतने ही क्रिस्पी और यमी हमारे पकौड़े बनेंगे. अगर आप चाहें तो ये भी रिस्कर से कर सकते हैं, बट तमाम वेजिटेबल्स आपके बीटर के अंदर फंस जाएंगी, इसलिए ये तरीका ठीक है. आलू यहाँ पर 1 डालकर मैं चेक कर रही हूँ ऑयल हॉट है कि नहीं. ऑयल हॉट है, मैंने एक दफ़ा करके निकाल ली हूँ और ये मेरा सेकंड बैच है. थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे शॉर्ट पीसेस कुछ इस तरीके से आप रखते जाएं. मैंने यहाँ पर अपने तमाम पकौड़े ऐड कर लिए हैं. जब हल्का सा कलर चेंज करने लगे तो उसको टर्न कर लें. इंतहाई मज़ेदार क्रिस्पी और रेडीमेड स्टाइल में हमेशा अपनी वीडियो में मेंशन करती हूँ, बट ट्रस्ट मी ट्राई करके देखिए ये रेडीमेड से भी अमेजिंग है. ये परफेक्ट पकोड़ा रेसिपी है. अगर आप इसके अंदर कुछ भी मज़ीद ऐड करना चाहें अकॉर्डिंग टू यू आप ज़रूर कर सकते हैं, बट इट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ परफेक्ट पकोड़े. अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ये पूरा हमारा बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं. ऐसे ही गोल्डन ब्राउन हमें चाहिए. आँच को आपने स्लो रखना है, बहुत हाई मीडियम फ्लेम पर आपने नहीं रखना है. लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के आपने अपने पकोड़ों को फ्राई करना है, क्योंकि यही वो टेक्निक है जिससे आपके पकोड़े बनेंगे क्रिस्पी. यहाँ बन के तैयार हैं हमारे पकोड़े और इनका क्रिस्प मैं आपको ज़रूर ज़रूर चेक करवाना चाहती हूँ. यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मार के देखेंगे. ये देखें, आपने आवाज़ सुनी होगी, इंतहाई क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार. ऊपर से मैं इसके छिड़क रही हूँ चाट का मसाला. आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे भी खाना चाहें. तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से अमेजिंग क्रिस्पी पकोड़े. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मज़ीद टेस्टी अमेजिंग और ट्रेंडी रेसिपीज़ के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.